नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 55,000 मामले सामने आए हैं। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि कोरोना को अब तक देश में 69 लाख लोग मात दे चुके हैं। वहीं ब्राजील में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई है, लेकिन इसके बाद भी वैक्सीन का ट्रायल जारी रहेगा। वहीं स्वदेशी वैक्सीन को लेकर भी एक गुड न्यूज है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले महीने शुरू हो सकता है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। अगले महीने शुरू हो सकता है कोवैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इनमें से 2 पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है। इनमें भारत बायोटेक की वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अगले महीने से शुरू हो सकते हैं। कंपनी वैक्सीन का ट्रायल दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में करने के बारे में सोच रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो इसके बाद वैक्सीन को अप्रूवल और इसकी मार्केटिंग की तैयारी की जाएगी। हालांकि DGCA की एक मीटिंग 5 अक्टूबर को भी हुई थी। इस मीटिंग में भारत बायोटेक से फेज 3 को प्रोटोकॉल को फिर से दाखिल करने के लिए कहा गया था। देश में 69 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता नजर आ रहा है। कोरोना के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी दर अब 90% की ओर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के साथ रिकवरी दर के तेज होने से देश में कोरोना की हालत में सुधार हो रहा है। देश में अब तक करीब 69 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं। कोरोना के 55,838 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 702 लोगों की मौत भी हुई है। इसे मिलाकर कोरोना का कुल आंकड़ा 77 लाख के पार चला गया है। ब्राजील में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में मौत। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। ये जानकारी ब्राजील हेल्थ अथॉरिटी के अधिकारियों ने दी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मृतक वॉलंटियर को अंडर ट्रायल कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई थी, बल्कि प्लेसबो मिला था। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो की मदद से ब्राजील में कोरोना वायरस की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे थे। यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी है कि जिस वॉलंटियर की मौत हुई वो ब्राजील का था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 28 साल के वॉलंटियर को वैक्सीन नहीं दी गई थी। हालांकि वॉलंटियर की मौत के बाद भी वैक्सीन का ट्रायल जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए गाँव में बनेंगे कोरोना वैक्सीन बूथ। दोस्तों, देश में कोरोना की कई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। 2021 में महामारी के खिलाफ वैक्सीन के रूप में हथियार मिलने की उम्मीद है। इसके बाद हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन करवाना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव वैक्सीन बूथ बनाने की योजना बना रहा है। ये बूथ आबादी के लिहाज से तय किए जाएंगे। इसके लिए पोलिंग बूथ की संख्या का अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल अस्पताल स्तर पर सभी का वैक्सीनेशन मुमकिन नहीं है। ऐसे करने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता है, लिहाजा आमजन की सुविधा के लिहाज से घर के बगल में बूथ पर कोरोना वैक्सीनेशन की रणनीति बनाने का काम चल रहा है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग जुटे हुए हैं। पूरे प्लान पर सरकार की विशेष नजर है। आंध्र प्रदेश का कोरोना रिकवरी रेट 95%। दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस से लड़ाई में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 95% देखने को मिला है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मई के बाद इस तरह की सफलता अपने नाम की है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में 7.93 लाख लोग कोरोना इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं। अब तक सामने आए कुल मामलों में से 7.54 लाख मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। यहाँ तक कि कुरनूल और नेल्लोर में 98% तक रिकवरी रेट पहुँच गया है। राज्य के हर जिले में रिकवरी रेट कम से कम 90% रहा है। ठीक होने के बाद भी दोबारा संक्रमण का खतरा, ICMR। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों में दोबारा संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर ICMR का कहना है कि अगर शरीर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी 5 महीने में कम हो जाती है तो दोबारा संक्रमण हो सकता है। ICMR के महानिदेशक बलाराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम डेटा देख रहे हैं कि कितने लोग संक्रमित हुए, फिर ठीक हो गए, इसके बाद फिर से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम जानते हैं कि एंटीबॉडी लगभग 3 से 5 महीने तक बनी रहती है। CDC के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर 90 दिनों के बाद कोई व्यक्ति दोबारा संक्रमित हो जाता है तो ये साबित होता है कि ठीक होने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हैं। एयर कंडीशनर में वायरस को खत्म करने की तकनीक। दोस्तों, कोरोना वायरस को हर पहलू से जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च कर रहे हैं।
ऐसी ही एक रिसर्च में पता चला है कि ऑफिस और घरों में लगे एयर कंडीशनर कोरोना वायरस को फैलने में मदद करते हैं। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि एसी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब आपको एसी चलाने से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड ने ऐसा एयर कंडीशनर बनाने में सफल होने का दावा किया है जो कोरोना वायरस को 99.9% खत्म कर देगा। कंपनी ने बताया है कि इसके लिए एसी में वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी के मुताबिक जब एसी से निकलने वाली हवा वीडीटी सिस्टम से गुजरेगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। स्पेन में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार। दोस्तों, यूरोपीय देशों में संक्रमण का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्पेन में ये 10 लाख से ज्यादा हो गया है, फ्रांस में भी 10 लाख के करीब है और इटली भी बढ़ते संक्रमण से अब फिर दहशत में है। पश्चिमी यूरोप में स्पेन ऐसा पहला देश है जहां संक्रमितों की संख्या अब 10 लाख से ज्यादा हो गई है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि दूसरी लहर के ज्यादा घातक साबित होने की आशंका है, लिहाजा सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रांस में भी यही हालात है, यहां भी 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9 शहरों में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद हालात कुछ सुधरे हैं। पहले एक दिन में करीब 40,000 तक मामले सामने आए थे, पिछले 24 घंटों में यहां 25,000 नए केस सामने आए हैं।